नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज 7 अप्रैल सन 2022, आज के इस विशेष एपिसोड में हम दलहन पर चर्चा करने वाले हैं, चने पे बात करेंगे, मूंग उड़द तुअर पे बात करेंगे, देश के विभिन्न हिस्सों में क्या भाव चने के चल रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके अतिरिक्त बंदरगाहों पर क्या भाव कंटेनर्स के हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, रशिया यानी रूस, कनाडा और तंजानिया के क्या भाव हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, चना धोखा देने वाले भाव दे सकता है ऊपर के या नीचे, उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखा, सबसे पहले हम चने की बात कर लेते हैं। चना इंदौर में चना 5200 से 5250 रुपये बताया जा रहा है, 50 रुपये की तेजी दर्ज हो चुकी है। और डॉलर काबुली चने के अंदर 9000 से 10000 के भाव हैं, और मसूर यहाँ पे इंदौर में 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। तुअर की जहाँ तक बात है कि तुअर के अंदर महाराष्ट्र लाइन की के जो इंदौर के भाव हैं वो 6300 से 6400 है, और कर्नाटक के लाइन के तुअर के भाव इंदौर में 6500 से 6600 रुपये बताए जा रहे हैं। मूंग के अंदर भी 7000 से 7200 रुपये के भाव हैं, और उड़द 6500 से 6600 के भाव हैं। सोयाबीन 7000 से 7800 के भाव हैं क्वालिटी अनुसार। अब अहमदनगर की बात कर लेते हैं। तुअर यहां पर अराइवल बताई जा रही है 900 बोरी की, और लाल जो रेड तुअर है वो 6200 और वाइट 6300 के भाव बताए जा रहे हैं। अहमदनगर में चने के भाव जो हैं वो 1100 बोरी की अराइवल बताई जा रही है, और देसी चना 4700 रुपये बिक रहा है, और चाफा 4800 रुपये के भाव है, और विशाल 4900 के भाव हैं। अब उड़द के ऊपर चर्चा है कि अराइवल यहाँ पर 500 बोरी है, और भाव 3700 से 6700 रुपये के भाव हैं। मूंग की अराइवल लगभग 300 बोरी है, और यहाँ पे 6000 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल है क्वालिटी के अनुसार। अब जयपुर के से चलते हैं राजस्थान के अंदर। चना जयपुर के अंदर चना 5200 से 5255 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं, यहाँ पे 50 रुपये की तेजी है। चना दाल जयपुर के अंदर 6000 की है, यहाँ पे 75 रुपये की तेजी दर्ज हो रही है। उड़द 5400 से 7000 रुपये के भाव हैं क्वालिटी अनुसार, और मूंग 6000 से 7200 रुपये के भाव जयपुर में बताए जा रहे हैं। मूंग दाल यदि देखें तो जयपुर में 8500 से 9000 रुपये के भाव हैं, और मोठ 6000 से 7100 रुपये के भाव हैं। मोठ दाल मुगर जो है 8300 से 9300 के भाव हैं। अब खबर चलती है अशोकनगर से। अशोकनगर में चना 4900 से 5050 रुपये, आवक यहाँ पे अशोकनगर में 350 बोरी की बताई जा रही है आज की। उड़द यहाँ पे 4000 से 5600 के भाव क्वालिटी अनुसार, और आवक यहाँ पे 100 बोरी की बताई जा रही है। मसूर 6400 से 6450, और आवक यहाँ पे 1000 बोरी की बताई जा रही है। बटरी 4000 से 4600 रुपये है, और आवक यहाँ पे 600 बोरी की बताई जा रही है। अब महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न बंदरगाहों पर विदेशी चने के क्या भाव बताए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। आपको आपकी जानकारी आपके लिए अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले कलकत्ता पोर्ट के ऊपर चने के जो तंजानिया चना है वो 4800 रुपये के भाव हैं, और तंजानिया पुराना जो है वो 4800 का है, और नया 5000 के भाव बताए जा रहे हैं। मटर जो कानपुर है वो 5400 और 5900 है, और उड़द FAQ 7000 बताई जा रही है, यहाँ 300 की तेजी दर्ज हो गई है। मसूर कंटेनर कैनेडियन मसूर जो है वो 7100 की है, यहाँ पे 2500 रुपये की तेजी है, और ऑस्ट्रेलियन मसूर जो है वो 7200 की बताई जा रही है 25 रुपये प्लस के साथ में। भाटापारा के अंदर चने की क्या बात है, चने 4800 से 4825 है, आवक यहाँ पे 400 बोरी बताई जा रही है। तुअर यहाँ पे 5800 से 6100 के भाव बताए जा रहे हैं, और मसूर के देखें 6400 से 6500 है, और लाखड़ी के 3500 से 3525 के भाव बताए जा रहे हैं। बटरी 3950 से 3975। अब मुंबई पोर्ट की तरफ चलते हैं। मुंबई यानी मुंबई के अंदर क्या भाव रहे, चना तंजानिया यहाँ
4,700 रुपये बताया जा रहा है, 50 रुपये की तेजी दर्ज। और ये काबुली चना सूडान का 5,500 से का भाव है, यहाँ 100 रुपये की तेजी है। और रशियन चने के ऊपर बात करें तो धनकी 5,000 के भाव है और बेस्ट 5,300 से 5,400 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर क्या चना चौंका देने वाले भाव देगा, क्या चना चौंका देने वाले भाव देगा। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। गौरतलब है कि हमने देश विदेश के सभी रेट आज तक अपडेट किया है और चने के ऊपर हमारा विशेष विश्लेषण सिर्फ बड़े स्टॉकिस्ट चना दाल मिल वालों के लिए जो बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं उनके लिए विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है हमने आपको कपास हो या फिर सरसों, सोयाबीन हो या फिर सोना चांदी, स्टील कोयला, कॉपर तांबा, इन सभी पर विशेष विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किए जो कि सही साबित होते देखे गए हैं। गौरतलब है दोस्तों 42 कमोडिटीज का एकमात्र विश्लेषण देने वाला एस्ट्रो फाइनेंस कैटेगरी का अकेला चैनल जो आपको हर विश्लेषण, हर सूचना, हर घटना का सही विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।